स्टार्टिंग में मैं लेके आया था अच्छे से एकदम 50-40 के इसका फिल्टर चेंज किया है। हाँ, फिल्टर मैंने लगा केएनएन का, मतलब जो हेड टर्नर है, अगर कभी भी किसी भी गली से निकल लिख लो या फिर लॉन्ग रूट पे जाओ तो इंसान सामने वाला सर घुमा के देखता है कि गाड़ी को टॉप स्पीड कितना भगा चुके हैं। मैं कोई बाइक तो है नहीं, 155 सीसी की बाइक में, क्योंकि वो अच्छी रिलायबिलिटी है उसके हिसाब से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आपको CBR 50 का रिव्यू लेके आया, जो कि आपको बहुत ही कम दिखेगी, जो कि इस बाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी, पर आपको ओनरशिप रिव्यू लेके आते हैं कि ये फिर से कंटिन्यू हो सकती है या नहीं। मतलब होंडा ने बहुत बार सोची है कि मैंने करूं, पर अभी तक लॉन्च नहीं किया, तो अब देखिए कब लॉन्च होती है। तो इसका जो पुराना वर्जन है उसी को रिव्यू लेके आया हूं, तो जिसको पसंद है वो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। CBR 150 जो कि यहां से आप बेजिंग देख सकते हैं, 150R की बेजिंग है, ठीक है, जो कि इसमें हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 17 BS के आसपास। तो ये रहे इसके ओनर, क्या नाम है जी आपका? राज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जब आपने ये बाइक खरीदी थी तो इसकी प्राइस क्या थी? 138। मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदे थे या फिर ऑन रोड था? तो हाँ, अच्छा, मतलब 140 के आसपास पड़ गई थी, है ना। तो आपने इस बाइक को उस समय इस 140 के आसपास इस प्राइस थी, तो आपने नहीं सोचा कि R15 खरीदे, इसकी सेगमेंट में आती है? मुझे CBR ही पसंद थी क्योंकि माइलेज और पिकअप के वजह से, उस टाइम तो V3 था नहीं। हाँ, V3 था नहीं, वर्जन 2 था, यही बेस्ट थी। तो ये उस टाइम सेगमेंट में सबसे बेस्ट थी 150 के सीसी में, क्योंकि 150 cc का इंजन है लेकिन 220 पल्सर तक का हार्ट फाड़ के रखता था, क्योंकि 18 का BHP उस टाइम का बहुत ही ज्यादा रेयर। हाँ, उस समय मतलब की बहुत ही रेयर पीस थी इस बाइक, है ना। तो मुझे आप बताए कि मतलब इस गाड़ी को अपने कितने किलोमीटर चला चुकी है टोटल? अभी तक तो टोटल 34 किलोमीटर चल चुकी है। 34,000, तो इसकी स्पीडोमीटर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे जो कि 33,000 कितना, अच्छा, मतलब 34,668 किलोमीटर। तो होंडा की इंजन है ना, काफी रिलायबिलिटी होती है यामा की जैसे, है ना। तो बाइक की मतलब अभी तक मतलब माइलेज क्या निकाल के दे रही है? पहले तो जब स्टार्टिंग में मैं लेके आया था, हाँ, अच्छे से एकदम 50-40 मिनिमम था, सिटी वगैरह में भी 40-45 आराम से निकाल देती है ना, मतलब माइलेज इसकी काफी अच्छी है। बट क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसका फिल्टर चेंज किया है, हाँ, फिल्टर मैंने लगा केएनएन का, मतलब जो कि आवाज से पता चल रहा है केएनएन फिल्टर का, वो हेड टर्नर है, अगर कभी भी किसी भी गली से निकल लो या फिर लॉन्ग रूट पे जाओ तो इंसान सामने वाला सर घुमा के देखता है, देखता ही है ना, है ना। तो इसकी थोड़ी सी मतलब एग्जॉस्ट नोट सुनाइए जो कि एयर फिल्टर का है ना, कहे कि मैं देखिए, तो अभी इसकी आवाज सुन सकते हैं, मतलब धुआं दे रहा है गाड़ी। वो क्योंकि अभी थोड़ा काम नहीं है, सर्विसिंग का काम। अच्छा, मतलब सर्विसिंग का काम है ना। आप इस गाड़ी को टॉप स्पीड कितना भगा चुके हैं? मैं 149 लास्टली। 149, मतलब 50 cc की बाइक 149 आराम से चल जाती है ना, है ना। पल्सर से बहुत ही बढ़िया है, जो कि पल्सर 220 के हिसाब से भी है ना। हाँ, और मतलब इसमें कि कूलिंग फंक्शन है, जो कि रेडी वाटर वाला इसमें आपको सिस्टम मिलती है, मतलब CBR भी नेक्स्ट लेवल काम करती थी। पर आप ये गौर करते हैं कि मतलब CBR को लॉन्च करना चाहिए, जो न्यू वर्जन आया है जरूर आना चाहिए, क्योंकि R15 के टक्कर में आ सकती है। V3 को अच्छा खासा लेवल भी मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं कर रही है होंडा ने, पता नहीं क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, डिसकंटिन्यू कर दी इसको भी। कम से कम इसको भी तो लाना चाहिए अगर नई वर्जन नहीं ला रहे थे ना, क्योंकि वर्जन 3 के टक्कर में अभी तक कोई बाइक तो है नहीं 155 cc की बाइक में, क्योंकि वो बाइक इसलिए खरीदते हैं माइलेज पिकअप लुक तीनों चीज मिल जाता है, क्योंकि RS से भी ज्यादातर आपको वही बाइक आपको देखने को मिलेगी। हाँ, मतलब जो भाई मतलब जो इंजन उसका नॉइज मतलब चेन नॉइज मतलब बजाज में आ ही जाता है, पर होंडा की इंजन भी काफी अच्छी रिलायबिलिटी है उसके हिसाब से। हाँ, वो तो है इंजन, और मतलब यहाँ की इंजन तो ऐसी रिलायबिलिटी रहती है ना, एक जरा सा वाइब्रेशन ना, तो मतलब माइलेज निकाल के आपको मतलब 50 अभी आराम से दे रही है। अभी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, लेकिन इतना है कि 40। हाँ, मतलब जब से KNN फिल्टर लगाए तब से, है ना, थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हुई है ना। तो इसमें पिलियन भी सही से काफी बैठ जाते हैं, क्या है कि सीटिंग कम्फर्ट भी काफी सही है, काफी अच्छा पोस्चर। हाँ, काफी अच्छा पोस्चर है, और मतलब सिटी में भी काफी अच्छा पोस्चर है ना, लेकिन R15 में आपको ये जरूर ड्रॉबैक मिलेगी। क्या है कि इसमें कंफर्टेबल है, आपको स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ। हाँ, पीछे होके बैठ जाओ तो काफी सही है ना। तो और कुछ इस गाड़ी को मतलब कुछ नेगेटिव चीज बोलना चाहेंगे, जो इस गाड़ी में आपको नेगेटिव चीज लगती हो? साल से चला रहा हूँ, अभी तक तो मुझे ऐसे कोई भी नेगेटिव चीज लगी नहीं, लेकिन कुछ तो नेगेटिव होगी, जैसे इंडिकेटर हैलोजन देते हैं। अब उस टाइम हाँ, उस समय तो भाई आती थी, इंडिकेटर मिल भी जाता, मैंने लगाया था, लेकिन फिर मैंने हाँ मतलब आगे आपने लगाया आफ्टर मार्केट, पर पीछे नहीं, है ना।
तो और कुछ था मैंने, बट फिर से मैंने हटा दिया। लेकिन ABS भी आना चाहिए था इसके हिसाब से, आना चाहिए था, लेकिन अब 2014 का मॉडल है। हाँ 2014 तो डिसकंटिन्यू हो गई। ये मॉडल कब डिसकंटिन्यू है कुछ बताना चाहेंगे? 2016 में डिसकंटिन्यू हो गई थी ना, पूरी तरह से सीवीआर 250 150 बंद हो चुकी थी। नहीं नहीं सीवीआर 250 अभी भी आई थी भाई, 2021 के बाद। हाँ 221 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई 250, क्योंकि मेरा एक दोस्त लिया 2019 मॉडल है, उसके पास अभी भी है। तो मतलब 150 डिसकंटिन्यू हो गई थी 2016 का, लेकिन 250 आई थी 18 में है ना, लेकिन जो 250 था वो आई थी बाद में डिसकंटिन्यू हुई थी। तो मतलब अभी इस गाड़ी को लेके बहुत ही खुश है ना? अभी तक का तो ऑनरशिप मेरा जैसा रहा है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है ना। तो था एक ड्रीम बाइक था, लेना था शुरू। हाँ तो वो तो है, लेकिन अभी भी इस बाइक को बहुत कोई मिस करते हैं उसके हिसाब से है ना, बहुत जो भी देखता है कि हाँ रखे हो अभी तक अच्छे से। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है राज जी, ठीक।